जय गुरु जी टू ऑल अंकल एंड आंटीज। मेरा नाम प्रिया कपूर है। आई स्टार्ट विद द जर्नी। मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई विद गुरु जी। सो इन 2016 आई गॉट मैरिड एंड व्हेन आई केम हेयर आगरा, सो माई मदर इन लॉ बहुत वर्शिप करती थी, मतलब शी हैड अ ब्लाइंड फेथ ऑन गुरु जी। तो मुझे लगता था कि ये क्या है, मतलब आई नेवर बिलीव्ड इन हिम, आई नेवर बिलीव्ड इन हिम अर्लियर। तो मुझे लगता था ये क्या है। तो व्हेन आई सॉ हर वर्शिपिंग, मैं उनसे ना बातें करने लगी, मैं पूछने लगी कि ये कौन है, मुझे फेक लगते हैं। बट देन शी स्टार्टेड टेलिंग हर स्टोरी सारी, कि कैसे क्या हुआ, वो कैसे मिली। बट स्टिल मुझे बिलीव नहीं था, आई नेवर बिलीव। एंड आई इवन टोल्ड माई हस्बैंड दैट व्हाट इज़ योर मदर डूइंग, मतलब फेक पीपल पे कैसे बिलीव कर सकती हैं, जो गुरु जिंदा ही नहीं है, हाउ कैन ही गाइड यू। तो उन्होंने बोला छोड़ो तुम्हें क्या है। मैंने बोला ओके। तो टाइम पास होता गया होता गया होता गया। देन ठीक, आफ्टर 1.5 ईयर ऑफ माई मैरिज माई मदर इन लॉ स्टार्टेड गेटिंग इल। तो जिनका उन्होंने प्रीवियस टू प्रीवियस सत्संग में शी हैज शेयर्ड हर ऑल स्टोरी, तो व्हेन शी गॉट ऑपरेटेड तो बाहर आई एंड शी टोल्ड मी हर ऑल स्टोरीज कि क्या हुआ उनके साथ। तो स्टिल मैं बिलीव नहीं की किया। देन मैंने मुझे लगा कि ये उनका ये इल्यूजन होगा, शी इज़ जस्ट टॉकिंग लाइक दैट। मुझे फिर भी बिलीव नहीं था। तो इधर से मैं मदर इन लॉ वॉज रिकवरिंग एंड उधर से आई कंसीव, तो माई प्रेगनेंसी फेज स्टार्टेड। तो 3 months पास हो गए। देन 4th month में व्हाट हैपेंड वॉज, मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो गया, किडनी स्टोन हो गया। फिर भी ठीक है, टाइम पास होता गया, बट स्टिल मुझे बिलीव नहीं था इन पे, आई नेवर बिलीव्ड इन। तो जैसे ही 8 month स्टार्ट हुआ मेरा, तो डॉक्टर सेड दैट हो सकता है बेबी जो है ना प्री मेच्योर बर्थ ले ले, क्योंकि गॉल ब्लैडर का स्टोन जो है वो प्रेशर कर रहा है बेबी पे। तो आई वॉज लिल अपसेट। तो मैं आई उस आफ्टरनून, आई स्लेप्ट, वॉज वेरी अपसेट, माई मूड वॉज वेरी अपसेट। सो आई केम, आई स्लेप्ट एंड इन माई ड्रीम व्हाट आई सॉ वॉज दैट आई एम स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू गुरुजी इन आगरा मंदिर एंड एवरीथिंग अराउंड मी वॉज वाइट वाइट, टोटली वाइट। एंड मुझे खुद नहीं, आई कैन नॉट इलेबोरेट यू मैंने क्या देखा, मतलब एकदम मैसेज से आई वॉज स्टैंडिंग इन हेवन, इतना वाइट। एंड गुरु जी वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। देन ही टोल्ड मी टू कम इन साइड इन हिज रूम। आई वेंट एंड आई एंड ही आस्क्ड मी टू सिट, आई वॉज सिटिंग इन द फ्लोर। उन्होंने बोला नो 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 नो, डोंट सिट इन द फ्लोर, मेरे बगल में बैठो। ही वॉज टॉकिंग टू मी इन पंजाबी। तो मैं आई जस्ट सैट बिसाइड हिम। तो उन्होंने बोला कि पैर दबाओ मेरे, तो मैंने पैर दबाए, तो आई स्टार्टेड वीपिंग, मैं ना रोने लगी। तो उन्होंने बोला, मैंने बोलना स्टार्ट किया कि किडनी स्टोन हो गए, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया एंड नाउ दिस, व्हाट इज़ दिस प्री मेच्योर बेबी बर्थ, आई कैन नॉट हैंडल, मैं इतना हैंडल नहीं कर सकती। तो व्हाट ही डिड वाज ही पैटेड माय बैक, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा एंड ही सेड दैट पुत्र तू चिंता ना कर, तेरा ए महीना तो कट जाएगा। तो ए महीना कट जाएगा, स्टिल व्हेन आई वोक अप मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया ऑल दिस। तो मुझे नहीं बिलीव, मुझे फिर भी बिलीव नहीं था। बट आफ्टर 1 month, ठीक 1 महीने बाद 11th of October शिवाय वॉज बॉर्न, माई बेबी बॉय वॉज बॉर्न। ठीक 1 महीने बाद, ठीक जैसे ही 9 month स्टार्ट हुआ एंड माई बेबी बॉय वॉज बॉर्न, सो दैट वॉज द टाइम जब मुझे रियली बिलीव होने लगा उन पर एंड होप मेरा बिलीव आगे और स्ट्रांग होता जाए उन पर। तो येस, नाउ आई स्टार्टेड बिलीविंग हिम एंड मुझे इस अक्टूबर 2 years हो जाएंगे आई एम बिलीविंग इन हिम। सो दिस वॉज माई सत्संग। और अब जो आई वॉन्ट टू शेयर वो ये है कि मैंने गुरु जी के वचन पढ़े थे, देर वॉज समथिंग 105 और मोर वचन। तो उसमें से मुझे ना 2 वचन जो है आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू पीपल। मुझे 2 ये था, एक तो पहला गुरु जी यूज टू से दैट वेन एवर यू कम इन साइड माई मंदिर, कीप योर जूती एंड योर ईगो आउटसाइड ऑफ द मंदिर। तो ईगो आउटसाइड ऑफ द मंदिर का मतलब क्या है, मतलब अभी भी हम लोग देखते हैं ना दैट गुरु जी की संगत में, नॉट इवन इन गुरु जी की संगत, काफ़ी जगह कि हम लोग फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं कर पाते, लोगों को माफ़ नहीं कर पाते। वी आर ह्यूमन बींग्स, हमें एक ही जिंदगी मिली है, वी डोंट नो कि हम नेक्स्ट बर्थ हमारा क्या होगा, वी डोंट नो। तो मतलब हमारे जाने के बाद ओनली व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ आर मेमोरीज,
तो वाई टू वेस्ट, लड़के क्यों वेस्ट करना उसको, भूल जाओ। एंड मैं तो टोटली कर्मा बिलीवर हूँ, तो इसलिए आई बिलीव कि छोड़ देना चाहिए इन सब चीज़ों को। लेट कर्मा डिसाइड कि किसी को क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वी ह्यूमन बींग्स, व्हाट वी डू दैट, वी डोंट टॉक। मैं नहीं बात करूँगी, आई वोंट टॉक टू हिम, आई वोंट टॉक टू हर, ऐसे नहीं होता। बट फिर भी वी शुड लीव एंड वी शुड फॉरगिव एंड फॉरगेट। और ईगो से क्या मतलब है कि आज के टाइम में देर इज सो मच रेसिज्म, रेसिज्म बहुत है। पुअर कास्ट, अपर कास्ट, मिडिल कास्ट, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एंड आई सी, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि गुरुजी को नहीं मानते, बट स्टिल दे कम एंड सिट। उनको लगता है कि उनका इन्जॉयमेंट टाइम है, मतलब जब, जो मैंने देखा है, आई बींग द यंगेस्ट पर्सन, मुझे लगता है, आई फील, इफ़ आई एम रॉन्ग, तो मुझे ये लगता है कि लोग इसको एक इंजॉयमेंट लेते हैं, बट ये एक इंजॉयमेंट नहीं। अगर आप बिलीव करते हो तो बिलीव टोटली उसको इंजॉयमेंट के लिए मत हो वहाँ पे। तो एंड ऑलवेज कीप योर ईगो असाइड, हमेशा फॉरगिव एंड फॉरगेट करने की कोशिश करो। उससे यू नो हमारा हार्ट भी, मतलब अच्छा फील, अच्छी फीलिंग रहेगी हमेशा हमारे मन में। एंड द सेकेंड वचन जो कि मुझे लगता है आई शुड शेयर, दैट गुरुजी यूज टू से दैट आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। सो आज के टाइम में डिप्रेशन, डिप्रेशन विच इज़ कॉजिंग टू सुसाइड, ये सबसे बड़ा पाप है। एंड आई वॉन्ट टू से दैट जो कि पेर जो भी पेरेंट्स हैं, कोई भी है, दे शुड बी फ्लेक्सिबल इन देयर नेचर रादर दैन टू बी रिजिड। मतलब हम लोग क्या कहते हैं ना कि वी यूज टू से आर चिल्ड्रेन की इतना लेके आओगे नंबर तो यू विल गेट दिस, इतना लेके आओगे तो यू विल गेट दिस। पर हर बच्चा जो है ना बहुत स्ट्रांग नहीं होता, वो अपने मन में ले लेता है, देन डिप्रेशन दैन विच माइट कॉज टू डेथ। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सो मुझे लग, ठीक है, सारे पेरेंट्स आर दे गुड, दे आर गुड, बट प्लीज़ प्लीज़ अपने बच्चों की भी सुनो, हमेशा वो गलत नहीं हो सकते। मतलब वेदर इट बी फ्रेंड, वेदर इट बी चाइल्ड, कोई भी हो, लिसन लिसन। जब सुनोगे तो सुसाइडल रेट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, डिप्रेशन पेशेंट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। एंड यस, मुझे बस यही बोलना था। एंड आई बी फिनिशिंग इट ऑफ विथ भजन, जो कि, और ये जो भजन है ना, ये जो दो वचन मैंने बोले अभी, दैट डिपिक्ट, उस पर तो ये भजन सूट करता है, विच आई विल बी सिंगिंग राइट नाउ। तो आई थिंक हमें ये चीज़ एक्नॉलेज करनी चाहिए और इस पे काम करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ रियली अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। तो यस, अगर किसी को लाइव आना हो फॉर माई सत्संग, कैन रिक्वेस्ट, वी कैन सिंग टुगेदर। मन मेरे आना करी क देवी गुरुर तू, मन मेरे आना करी क देवी गुरुर तू, बन के निवाणा रवि दाता दे हुजूर तू, बन के निवाणा रवि दाता दे हुजूर तू। जग विच वेखे मैं ते कई अभिमानी, दिसदी कोई नाज उन्हां दी निशानी। जग विच वेखे मैं ते कई अभिमानी, दिसदी कोई नाज उन्हां दी निशानी। हो न जावी उन्हां वांगू चूर चूर तू, हो न जावी उन्हां वांगू चूर चूर तू, बन के निमाणा रवि दाता दे हुजूर तू, बन के निमाणा रवि दाता दे हुजूर तू। उस दी रहमता दा शुक्र मनाई जा, सुख होवे दुख होवे ओ दिल खिलाई जा। उस दी रहमता दा शुक्र मनाई जा, सुख होवे दुख होवे ओ दिल खिलाई जा। दिल विच पालन बैठी कोई भी गुफितूर तू, दिल विच पालन बैठी कोई भी फितूर तू, बन के निमाणा रवि दाता दे हुजूर तू, बन के निमाणा रवि दाता दे हुजूर तू। रब दी रजा दे विच रहंदे ने जेड़े, तेरा पाना मिठा लगे
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀਂਦਾ ਸਹੂਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਲਾਵੇ ਜੀਂਦਾ ਸਰੂਰ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਰਵੀ ਦਾਤਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਰਵੀ ਦਾਤਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੂੰ ਮੁਝ ਮੇ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਦਿਆ ਤੋ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਦਿਆ ਤੋ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਓ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਓ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਾਂ 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 ਬੁੱਲੇ ਸ਼ੈਨ ਕਤੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਓਮ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਓਮ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਓਮ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਓਮ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਤੁਝ ਮੇ ਭੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਝ ਮੇ ਭੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਝ ਮੇ ਭੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਝ ਮੇ ਭੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋ ਬੋਲੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਮੁਝੇ ਇਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ that we should always thank हमारे पास दो आँखें हैं हाथ है पैर है we are walking लोगों के पास उतना भी नहीं है जो है उसी में we should be happy कुछ नहीं पता कब he will take away everything तो इसलिए जो है उसको enjoy करो and thank you